Good morning, everyone. How are you doing today? I think you all are fantastic and you are safe at your home, guys. आपको याद होगा कल मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग ऐसे 10 शब्दों को जानेंगे जिनको इंग्लिश में यूज करके अपनी इंग्लिश को और अच्छा बना सकते हैं गाइस। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाइस। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस देखिएगा, आपको यहीं कहीं आपको सब्सक्राइब लिखा मिलेगा, आप सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल जाए। शुरुआत करते हैं आज के पहले वर्ड की। सो एडिटिंग वाली मैडम जरा लगाना पहला वर्ड कौन सा है। ओके गाइस, हाँ पहला वर्ड देखिएगा एनिमिटी। अब एनिमिटी क्या होता है गाइस, देखिएगा ये एक तरह से दो व्यक्तियों के बीच में दुश्मनी होना, वैर भाव होना, ये दो इंसानों के बीच में हो सकता है, दो कंपनियों के बीच में भी हो सकता है और दो देशों के बीच भी हो सकता है। चलिए एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं ये कैसे बनता है, वाक्य वाक्य कैसे हम बना सकते हैं गाइस। तो देखिएगा पहला वाक्य है उसने अपने दोस्त को पुरानी दुश्मनी के कारण मार दिया। तो देखिए कैसे बनेगा, ही किल्ड हिज फ्रेंड Due to an old enmity। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा मैंने आपको कहा ना कि हम पुरानी दुश्मनी दो देशों के बीच हो सकती है, दो दोस्तों के या दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है या दो कंपनी के बीच हो सकती है। दो देशों के बीच दुश्मनी होना अच्छी बात नहीं है। इट मीन्स देखिएगा, इट इज नॉट गुड टू हैव एनिमिटी बिटवीन टू कंट्रीज। देखिएगा एक एग्जाम्पल आप और मैं देता हूँ जो आपने बनाना है। मेरी आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ये आप खुद अपने आप बनाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जरा एडिटिंग वाली मैडम जरा लगाओ कोई बढ़िया सा वर्ड। हाँ गाइस देखिएगा अगला वर्ड है फैब्रिकेटेड। अब देखो गाइस फैब्रिकेटेड क्या होता है, कोई भी झूठी बात बनाई गई हो या घड़ी गई हो या बुनी गई हो, किस लिए, या तो किसी को धोखा देने के लिए या फिर सजा से बचने के लिए, वहां पर इस वर्ड का इस्तेमाल होता है। एक काम करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कैसे बनता है। देखिएगा खासकर देखोगा अपने कोर्ट्स के अंदर देखोगा जो जज बैठा होता है, जो जज साहब होते हैं वो कई बार बोल देते हैं कि ये जो तुम्हारी कहानी है वो सारी बनी हुई है, घड़ी हुई है या आप एकदम झूठी बनी हुई है। तो योर स्टोरी इज फैब्रिकेटेड, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखते हैं आपको पता लग जाएगा। देखिएगा हम इस बनी हुई खबर पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, सो वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन फैब्रिकेटेड न्यूज। एक और है जिसको आप खुद बनाएंगे, आपकी कहानी मुझे बनी हुई लगती है या आपकी कहानी बनी बनाई है, इसको आप खुद आप मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट और देखते हैं, लगाओ मैडम जी जरा अगला वर्ड कौन सा है। हाँ देखिएगा इस कॉन्फिडेंट, ध्यान दीजिएगा ये कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट स्पेलिंग देखिएगा, स्पेलिंग अलग है गाइस। देखिएगा कॉन्फिडेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिस पे आपको पूरा भरोसा है, जिसके साथ आप सारे अपने सीक्रेट जो होते हैं उसको शेयर करते हैं, यकीन आप ये यकीन के साथ कहते हैं कि ये मेरा भरोसेमंद है या ट्रस्टवर्थी है। इट मींस वह आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा, आप ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंट। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं एग्जाम्पल कैसे बनते हैं। वह मेरा भरोसेमंद है, तो ये बनेगा ही इज माय कॉन्फिडेंट। ध्यान दीजिएगा वाक्यों को ध्यान से नोट करते चलिए, क्योंकि मैं हर एक वर्ड के बाद आपको एक वर्ड दे रहा हूं जो आपने खुद बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है, अच्छा एक वर्ड और देता हूं मैं आपको, ये आपने खुद अपने आप बनाना है। ये देखिएगा आपका भरोसेमंद कौन है, इसकी इंग्लिश मुझे आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कैसे बनती है गाइस। एक एग्जाम्पल और देते हैं इसका, देखते हैं कैसे बनता है। उसने अपने भरोसेमंद को डील के लिए या सौदे के लिए भेजा, ही सेंट हिज कॉन्फिडेंट फॉर द डील। ध्यान दीजिएगा वाक्य नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वाला कौन सा है, लगा दो नेक्स्ट वाला कौन सा है। हाँ गाइस देखिए नेक्स्ट है नेसेंट। अब नेसेंट क्या होता है, कोई भी नया नया काम बिल्कुल शुरुआती दौर में है, अभी शुरू हुआ है। देखिए एग्जाम्पल के मध्य समझते हैं कैसे लिखेगा। मैंने एग्जाम्पल में लिखा मैं नए नए बिजनेस में पैसा नहीं लगाऊंगा, क्या पता भाई डूब जाए। तो मैं कहूंगा यहाँ पर आई वोंट इन्वेस्ट इन अ नेसेंट बिजनेस, ध्यान दीजिएगा। और अक्सर लोग करते हैं ऐसा, जब नया नया बिजनेस होता है तो उसमें पैसा लगाने से डर लगता है कहीं पैसा डूब ना जाए, तो इसी प्रकार बना सकते हैं आई वोंट इन्वेस्ट इन अ नेसेंट बिजनेस। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, उसका जो प्रोजेक्ट है वो अभी शुरुआती लेवल पे है, दौर में है, अभी शुरू किया है उसने, तो इसका बनेगा हिज प्रोजेक्ट इज एट अ नेसेंट स्टेज। एक एग्जाम्पल आपके लिए है जो आपने मुझे बनाकर कमेंट बॉक्स में देना है, और वो है मेरी इंग्लिश अभी डेवलप नहीं हुई है, अभी बिल्कुल नई नई सी है,
इसको आपने मुझे बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखना है और मैं चेक करूंगा कि आपने कितनी इंग्लिश सीखी। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला कौन सा है। गाओ भाई जरा बढ़िया तरकता सा भड़कता सा वर्ड। हाँ गाइस देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है अपीज, किसी की बात को मानकर उसे खुश कर देना, उसे हम लोग अपीज कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, देखिएगा, उसने अपनी पत्नी को खुश करने की सारी कोशिश कर ली है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यहां पर ही हैज ट्राइड एवरीथिंग टू अपीज हिज वाइफ। ध्यान दीजिएगा, ही हैज ट्राइड एवरीथिंग टू अपीज हिज वाइफ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिएगा, सरकार ने जनता को खुश करने के लिए जीएसटी के जो रेट है वो कम कर दिए हैं, तो इसका बनेगा यहाँ पर द गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड जीएसटी रेट्स टू अपीज द पब्लिक। एक आपके लिए है, मुझे मनाने की जरूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा गाइस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट लगाओ जरा भाई, नेक्स्ट कौन सा है। हाँ गाइस, तो नेक्स्ट है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है शेमलेस या बेशरम, या कह सकते हैं बेशर्मी से किया हुआ कोई भी गलत काम। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। बेशर्मी से किए हुए जिस इस भ्रष्टाचार से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, इस करप्शन से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो वाक्य बनेगा आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ। गाइस गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, सो आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ ब्रेजन करप्शन। ध्यान दीजिएगा, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ द ब्रेजन करप्शन। एक एग्जाम्पल देखते हैं, वह बेशरम इंसान मेरा पैसा देने को तैयार नहीं है, तो दैट ब्रेजन मैन इज नॉट विलिंग टू रिटर्न माई मनी। एक आपके लिए है, वह बहुत बेशरम इंसान है, इसकी इंग्लिश आप मुझे जरूर लिख के भेजिएगा, बताइएगा। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला को। नेक्स्ट है कैलस। देखिए गाइस, कैलस मीन्स निर्दयी होना, कठोर होना या फिर पत्थर दिल होना। गाइस आपको पता है आजकल लोग पत्थर दिल या निर्दयी या कठोर ही होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल निकालते हैं और सबसे पहले वीडियो बनाते हैं। एग्जाम्पल की मदद मतलब समझते हैं, द पीपल आर सो कैलस दैट दे डोंट हेल्प एन इंजर्ड ऑन द रोड। यानी कि जो व्यक्ति अगर रोड पर पड़ा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो हेल्प ना करके वीडियो बनाते हैं। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं, सरकार के इस कठोर रवैये ने बहुतों को निराश किया है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे बनते हैं इंग्लिश में, द गवर्नमेंट्स कैलस एटीट्यूड हैज डिसअपॉइंटेड मैनीज। एक आपके लिए है, आप इतने पत्थर दिल क्यों हो, इसको आप जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला कौन सा। नेक्स्ट वर्ड है रेट्रिक या फिर रिटोरिक, मतलब बयानबाजी का वो तरीका जिसमें अपनी बात को इतना सजा धजा कर कहा गया हो फिर चाहे उसमें सच्चाई हो या ना हो। मतलब कहने का बड़ी बड़ी बातें करना। आजकल देखा होगा अपने टीवी चैनल्स पर जितने भी लीडर्स जाते हैं वो क्या करते हैं, वो रेट्रिक तो करते हैं, तो खासकर जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन से आने से पहले जो बातें की जाती है उनको हम रेट्रिक कह सकते हैं। इट इज या दिस इज जस्ट रेट्रिक बिफोर द इलेक्शंस। एक आपके लिए देता हूं मैं, आपने बनाकर दिखाना है मुझे, आपको बड़ी बड़ी बातों का बातें करने से बचना चाहिए, ये आपने बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट है नेपोटिज्म। गाइस नेपोटिज्म का मतलब होता है आप किसी पावरफुल पोजीशन में होकर अपने सगे संबंधियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाना, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना, उनको जॉब दिलवा देना। आपको पता होगा पॉलिटिक्स राजनीति के अंदर नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा चलता है या पाया जाता है, तो कह सकते हैं नेपोटिज्म इज प्रेवलेंट इन द पॉलिटिक्स। बहुत सारे काबिल लोगों को नेपोटिज्म के कारण जॉब नहीं मिल पाती है, सो लॉट्स ऑफ डिजर्विंग पीपल डोंट गेट द जॉब बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। नेक्स्ट देखते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों अंतिम वर्ड क्या है। गाइस अंतिम वर्ड है एम्बेजलमेंट। देखो गाइस एम्बेजलमेंट का मतलब होता है हेरा फेरी करना या पैसों का गबन करना। देखिएगा खासकर देखोगा आपने भारत में बहुत सारी कंपनियां होती हैं उनके कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो पैसों का गबन कर लेते हैं हेरा फेरी करके। तो एक एग्जाम्पल की मदद समझते हैं कैसे है,
उसको हेरा फेरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ही हैज बीन अरेस्टेड फॉर द एम्बेजलमेंट। एक आपके लिए जो आपने बनाना है, हेरा फेरी करना कानूनी जुर्म है या अपराध है, ये क्राइम है, इसको आप बनाइएगा। गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस, और एक ही बात मैं आपको कहूंगा अंत के अंत में कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए गाइस। फिर मिलेंगे दोबारा फिर से, बाय बाय गाइस।